बरौनी स्टेशन के मोटरसाइकिल और फोर व्हीलर स्टैंड के पास हूँ और यहाँ के लोगों से जो यहाँ से जुड़े हुए हैं, जो जिनकी रोजी रोटी चल रही है, हम उनसे बात करते हैं कि वैशाली सुपरफास्ट ट्रेन को जो यहाँ से चलती थी, जिसको अब सहरसा तक बढ़ा दिया गया है, उससे कितना नुकसान हो रहा है और कितने फ़ायदे हो रहे हैं, क्या परेशानियाँ यहाँ के लोगों को उठानी पड़ रही है। हम बात करते हैं यहाँ के स्थानीय लोगों से, क्या कहना चाहेंगे। वैशाली जाने से हम लोग को यहाँ पर बहुत दिक्कत हो रही है, बहुत दिक्कत हो रही है, रोजी रोटी मिलना भी मुश्किल हो गई है। अभी तक बोहनी नहीं हुआ है हम लोग, ऐसा है क्या है? कोई बोहनी अभी तक नहीं हुआ, वो तो चालक है हम लोग यहाँ पर, कोई अभी तक जैसे 6 बजे सुबह से बैठे हुए हैं। वैशाली रहता तो अभी तक दूर टूट चले हुए रहते, लेकिन अभी तक एक पैसा कमाने का कोई अच्छा नहीं, रोजी रोटी हम लोग का बंद हो गया यहाँ साफ। क्या कहना चाहेंगे सरकार से? सरकार से क्या कहना चाहेंगे, जब हमारा रोजी रोटी ही छीन लिया तो सरकार से क्या कहें, कितनों छटपटा कर रह गए यहाँ, कुछ मिलने वाला नहीं। हम लोग जो है यहाँ कार्यकर्ता करते हैं, रोजी रोटी कमाते हैं, जो हम लोग को नुकसानी पूरे तरह से हो गया, जो बालों बच्चों का रोजी रोटी मिलना मुश्किल है वैशाली के जाने के बाद। वैशाली के जाने के बाद रोजी रोटी मुश्किल पड़ रही है। वैशाली से रहें खोलवाइए, वैशाली यहीं से। अच्छा, यहाँ जो ट्रेन आती होगी वो तो भरी हुई आती होगी पूरा खचाखच, यहाँ सीट मिलना मुश्किल है सर। यहाँ हम लोगों का जो बात है मैं बता देना चाहता हूँ, ये यहाँ की आम जनता जो बी टिकट ले रहे हैं बुकिंग काउंटर से, उनको सीट नहीं मिलता। वो इस तरह से जबरदस्ती लटक के पैदल पे चढ़ के दिल्ली तक जो है सफर अभी तय करना पड़ रहा। दूसरी बात है, यहाँ जो रेलवे के द्वारा जो भी काम किया जा रहा है वो जो है तो हम लोगों के विरुद्ध किया जा रहा है, ठीक ना? क्योंकि आज वैशाली ले जाने ले के चले गए, कल बोल रहे हैं ग्वालियर लेके चले जाएंगे, बरौनी लखनऊ लेके चले जाएंगे, तो यहाँ का जो आम जनता है, हम लोग जो इस जगह से जुड़े हुए हैं आज से 10 साल से लगभग, हम लोगों को इतना मुश्किल हो रहा है कि रोजी रोटी छिन गया, कमा के जो कमा के खाते थे वो भी अब जो है तो हम लोगों के लिए बहुत मुश्किल हो रहा है, बहुत मुश्किल हो रहा है। क्या मेरा नाम पप्पू बड़ा, अभी तक सर बोहनी नहीं किए हैं गाड़ी, आप लोग ड्राइवर सब और ड्राइवर है सर यहाँ पे, ये कोई नहीं है सब सारा। एक वैशाली के चले जाने से रोजी रोटी पर आफत, वैशाली क्या सर, यहाँ से बहुत सारी ऐसी गाड़ियाँ हैं जो रेल सरकार के द्वारा जो है सहरसा भेज दिया गया, जैसे कि जनसेवा एक्सप्रेस है, ये अम्रपाली एक्सप्रेस है, ये सारा सिस्टम जो है आज से इतने दिनों से जो है लेकर के चले जा रहे हैं। हम लोगों के बोलने के बाद लाठीचार्ज किया जाता है, मारा जाता है, दबाव बनाया जाता है प्रशासन के द्वारा कि नहीं तुम्हारे कहने से नहीं होगा, हम जो कहेंगे वही होगा, हमारी संपत्ति है, ऐसा बोलते हैं कौन? हाँ, यहाँ की जो है सर प्रशासन है, प्रशासन पदाधिकारी बोलते हैं, यहाँ की जो स्टेशन है। वैशाली को जो बरौनी से जो खुलती थी वैशाली सुपरफास्ट, उसको जो आगे बढ़ाया गया है, इस कदम को आप कितना मतलब अच्छा मानते हैं? अच्छा क्या, यहाँ के लिए तो बुरा ही प्रभाव पड़ा है। अच्छा, आपके व्यवसाय भी प्रभावित हुए हैं? थोड़ा बहुत सेल में फर्क पड़ गया है, फिर फर्क पड़ा है। और यहाँ तो गाड़ी भरी हुई आती होगी जी जी, तो फिर यहाँ के लोग क्या करते हैं? यहाँ के लोग रिटर्न जाते हैं, वापस जाते हैं, जर्नल वाले जो जैसे है वो लोग रिटर्न जाते हैं, उनको सीट नहीं मिल पाती है, बहुत परेशानी बढ़ गई जी जी। उसमें कोई बोगी वोगी बढ़ाया नहीं गया? नहीं नहीं, बोगी बढ़ाया नहीं गया जितना पहले। अब क्या टाइम है उसका यहाँ पहुँचने का? अब तो अक्सर लेट ही आती है। जैसे कितने बजे तक आ जाती है? आज तो अभी तक आई नहीं है जैसे, तो अभी तो पैसेंजर होंगे जी जी। कितने नंबर पे आती है? अनाउंस करने के बाद ही कंफर्म नहीं है, 7 पे ज़्यादातर आती है सर। यहाँ से आम्रपाली खुलती थी जी, यहाँ से जनसेवा भी जाती थी जी। ये दोनों ट्रेनें चले जाने के बाद वैशाली भी चली गई जी, जी। क्या आपको लगता है कि हमारा मार्केट भी प्रभावित हुआ है इससे? बहुत प्रभावित हुआ। क्या चाहते हैं हम लोग? फिर वही चाहते कि वैशाली यहीं से खुले, वैशाली यहीं से खुली, आम्रपाली गई, जनसेवा गई, अब वैशाली गई जी। जाना तो नहीं चाहिए, बरौनी की जनता को बहुत ज्यादा कष्ट है जी, आंदोलित भी हुए लोग जी जी, लेकिन रेल सरकार के द्वारा जो है रेल विभाग के द्वारा कोई नहीं मान स्वीकार। कारोबार प्रभावित हुआ है जी जी, मार्केट जी, भी प्रभावित, बहुत बहुत ज्यादा प्रभावित है, यहाँ का सेल आधा हो गया है जी, यहाँ के लोग त्राही माम कर रहे हैं। रेल मंत्रालय से कुछ कहना चाहेंगे? रेल मंत्रालय से आग्रह है कि वैशाली को पुनः बरौनी से प्रारंभ किया जाए। आम्रपाली गई, जनसेवा गई, अब वैशाली गई, क्या कहना है?
सब यहाँ की जनता के लिए दुर्भाग्य है। मार्केट प्रभावित हुआ आप लोग? बहुत प्रभावित हो रहा है, पूरा इलाका प्रभावित है, वाले से परेशानी को जाने से पूरा इलाका प्रभावित हुआ है। आम्रपाली गई, जनसेवा गई या वैशाली भी गई, क्या कहना है? कहना क्या है, एक बार फिर से लगा देना है जोर, वैशाली को यहाँ रहना चाहिए जी। सर पहले जनसेवा, आम्रपाली, अब वैशाली, क्या लगता है कि कारोबार भी प्रभावित हुआ है इससे? हाँ बहुत प्रभावित है, मार्केट प्रभावित है, बहुत बिजनेस पर पड़ा है और लोगों को असुविधा भी हुई होगी बहुत। जाने आने का मैंने मिल नहीं रहा, जाने आने का मैंने जनरल बोगी एकदम फुल लोग उधर से आ रही है। अच्छा, सेवा गई, आम्रपाली गई, अब वैशाली भी गई, क्या लगता है आपको इससे बरौनी प्लेटफॉर्म का विकास होगा या बरौनी का मार्केट का? नहीं नहीं, तो ह्रास हुआ है ना, हम लोग के नेता सब मर गए हैं एक बगल से जी जी, बैठते हैं तो दो चार दस लोग आके बैठते हैं, तो कोई अपना हिसाब से अपना नेतागिरी अलग बैठाएंगे, कोई अपना अलग बैठाएंगे, सब एक साथ मिल के अगर पहले दिन ही वैशाली को यहाँ से रोक लिया होते तो आज जो है ये दिन नहीं होता कि कम से कम वैशाली नहीं गई होती जी। और गाड़ी तो पूरी भरी हुई आती होगी? हाँ, आप तो यहाँ पे बैठने का तो सवाल ही नहीं उठता, वहाँ पहले से वो एकदम जाम आती है, और अभी का आप गाड़ी का स्थिति देखिए, एक गेट तो आपको ऐसे टूटा हुआ मिलेगा, उधर से आया तो कबाड़ा बना हुआ है, कचरा का डब्बा बना दिया वैशाली को ऐसा। सहरसा वाला हर के दिखा दिया। आम्रपाली गई, जनसेवा गई, अब वैशाली भी गई, क्या कहते हैं? जाना तो नहीं चाहिए था लेकिन जा रही है। यहाँ की पब्लिक क्यों नहीं रोक पाई? यहाँ की पब्लिक कोशिश की लेकिन सरकार इस पे काम करेगी ना, पब्लिक क्या कर सकती है, पब्लिक तो कोशिश ही कर सकती है ना। क्या चाहते हैं अब, कि ग्वालियर भी चली जाए? नहीं जाए, जो बेहतर है यहाँ के परेशानी है, वैशाली के चले जाने से यहाँ वैशाली वापस आना चाहिए। कारोबार प्रभावित हुआ है? एक्सप्रेस जो है यहाँ से खुलती थी, अब तो वो सहरसा से आती है, तो क्या परेशानी महसूस कर रहा है? परेशानी बहुत ज्यादा, जो यहाँ चलता था तो हम लोग को मजदूरी को सुविधा होता था, दूर से आ रहा बहुत ज्यादा दिक्कत होता है, भीड़ भी ज्यादा अधिक होगा, काफी दिक्कतें होती है। क्या लगता है, अच्छा कदम है रेलवे के द्वारा? हाँ बहुत खराब स्थिति है, क्या बोलना चाहेंगे? स्थिति तो सर खराब ही है, सवेरे से बैठे हुए हैं, वैशाली ट्रेन के रुकने से आप यहाँ नहीं रुकती है, यहाँ से खुलती नहीं है, सहरसा से आती है, आप लोग का भी कुछ कारोबार प्रभावित हुआ है? सर वैशाली सहरसा जब चली है तब से हम जाने थे, नहीं पैसेंजर आती है नहीं जाती है। अच्छा, कुली लोग को परेशानी हो गई है, बहुत परेशानी हो गई है, आप लोग की आमदनी घट गई, बहुत दिक्कत हो गई है। अच्छा, भरा हुआ ट्रेन आता होगा पूरा? सहरसा जब सर चली है तब से भरी हुई आती है, लोग को पैसेंजर को बहुत दिक्कत होती है। क्या दिक्कत महसूस कर रहे हैं आप लोग वैशाली ट्रेन के वहाँ से आने के लिए? बहुत दिक्कत हो रहा है सर, काफी दिक्कत है। हाँ सर, लगता है वैशाली यहाँ से खुलती थी अब बाहर से आती है सहरसा से, क्या लगता है आपको दिक्कत हो रही है? सीटें मिलती हैं, कहाँ जाना है आपको? बहुत दिक्कत हो रहा है, छोटे छोटे बच्चे भी होंगे, सुबह से वैशाली पकड़ने के लिए हम लोग को पता भी नहीं था कि यहाँ से वैशाली नहीं है। यहाँ से खड़े हैं ये पहले बताओ ना, आप कितने सुबह से आके मुझे कैसे बच्चे बच्चे लेके देख रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं आप, बहुत परेशानी है। प्लेटफॉर्म पे हूँ और बरौनी से जो ट्रेनें चलती थी वैशाली सुपर फास्ट जिसे सहरसा से चलाया जा रहा है, यहाँ पे सैकड़ों यात्री प्रतीक्षारत रहते हैं और ट्रेन वहीं से भरी हुई आती है, जिसके वजह से काफी लोगों को मशक्कत करनी पड़ रही है, और यहाँ के लोग जो यहाँ से गाड़ी चलाते हैं, जो ड्राइवरी करके अपनी जीवन यापन कर रहे हैं, जो यहाँ पे कूली हैं, सभी के धंधे प्रभावित हो रहे हैं, यहाँ जो स्टॉल लगा के काम करते हैं उनकी भी परिस्थिति काफी गंभीर है, और लोग यहाँ पे काफी नाराज हैं कि रेलवे मंत्रालय के द्वारा यह कदम कतई अच्छा नहीं है, यहाँ से अगर ट्रेन उनको देना ही था तो कोई और ट्रेन यहाँ से DMU सहरसा तक के लिए चलाना चाहिए था, लेकिन सहरसा तक चलाने के लिए वैशाली सुपरफास्ट जो एकमात्र दिल्ली जाने के लिए यहाँ से एक अच्छे समय पर और अच्छे तरीके की गाड़ी है, जिसे यहाँ से बढ़ा करके सहरसा के लिए कर दिया गया है, आप देख सकते हैं हमारे चारों तरफ कितने भीड़ है।
हम जानना चाहेंगे कि क्या स्थिति बन रही है। बहुत खराब स्थिति है, क्या चाहते हैं? वापस चाहिए, वापस बरौनी चाहिए, पहले पहले फैमिली चाहिए। गाड़ी अभी बहुत ज्यादा वेट कर रहे थे, अभी तक नहीं आई है स्टेशन पे गाड़ी। हम लोग इतना खड़े हैं वेट करने के इंतजार कर रहे हैं। क्या और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से लोग परेशान हैं और अपनी बात रखने के लिए हमारे सामने उपस्थित हो चुके हैं। अतः यहाँ से जो भी वरीय पदाधिकारी हैं रेल मंत्रालय से हैं, उनको ये यहाँ के लोग एक मैसेज देना चाहते हैं कि यहाँ के लोगों के साथ ये भेदभाव की नीति छोड़ करके जो व्यवस्था पहले की थी उसे ही बहाल की जाए। वैशाली सुपरफास्ट को बरौनी से खुलना था, खुलेगी और खुलना चाहिए भी। यहाँ के सैकड़ों लोग का जीविका उस ट्रेन के पैसेंजर पर भी डिपेंड करता है। पंकज भट्ट, बेगूसराय।